आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस इथाइल बेंजीन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी। डी वुड बी, एक रिएक्शन दी हुई है इथाइल बेंजीन की और कुछ रिएजेंट्स, तो हमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन प्रोसीड करनी है और फाइनली बताना है कि प्रोडक्ट डी क्या होगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्या होगा कि जब इथाइल बेंजीन CH2 रिंग CH2CH3 रिएक्ट करता है KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में, तो एसिडिक नेचर शो करता है और ये देगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बी। ठीक है, ए जो है इस रिएजेंट के प्रेजेंस में बी देगा और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, राइट? फर्दर हमने रिएक्ट कराया, ब्रोमीन यूज़ किया और FeCl3, तो जो हमारा कंपाउंड आ जाएगा सी वो होगा रिंग, रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आ जाएगा Br। ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्रोमो मेटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये होगा हमारा कंपाउंड सी। फर्दर जब हम सी को एसिडिफाई करेंगे वाया C2H5OH अल्कोहल यूज़ करेंगे और हाइड्रोनियम आयन यूज़ करेंगे, तो ये क्या देगा, रिंग के ऊपर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिड्यूस हो जाएगा C2H5 एस्टर में। ठीक है, और मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन। ठीक है, तो ये वाला होगा हमारा कंपाउंड डी। तो कंपाउंड डी हमारे गिवन ऑप्शंस में से मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4th के साथ, विच इज़ आर करेक्ट आंसर, राइट? देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4th। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।